नमस्कार जैमिनाई, जैमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एम डिटायर से। तो आज हम जैमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सनसाइन मून साइन नाम राशि ये किसी भी चीज़ से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि आपकी करंट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले जेमिनाई के लिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, काफ़ी खुशी इंजॉय करेंगे। एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच डिनर, ब्रेकफास्ट या किसी तरह की ऐसी खुशी, यानी कि खुशी का माहौल रहेगा, खुशी का माहौल बनेगा। आप महसूस करेंगे या तो आप किसी के साथ पार्टी करने वाले हैं या आप किसी की पार्टी में जाने वाले हैं। कोई रिश्ता आ सकता है, किसी रिश्ते में शामिल हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मतलब ये इस हफ्ते में कुछ ना कुछ खुशी आपको ज़रूर मिलेगी जो आपको काफ़ी चीयरफुल कर देगी, जो आप उसमें काफ़ी हैप्पीनेस महसूस करेंगे, खुशियां महसूस करेंगे। इस तरह का माहौल आपका रहने वाला है। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की क्या रहेगी। जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, जो बातें नहीं बन पा रही थी, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए, तैयार करते हुए कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं। और एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, डिटर्मिंड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा, फिर से रिश्ता जुड़ेगा और फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस आएंगी। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद पर फोकस करते हुए, अपनी एनर्जी पर फोकस करते हुए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनके साथ एक एंजॉय करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर से महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो रिश्ता फिर से खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, या जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में पहले खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार हों, इसमें कोई जल्दबाजी वो ना करें, अपने को तैयार करते हुए अचानक से सडनली कोई भी डिसीजन ना ले, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें वो आगे बढ़े। और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो बैलेंस है, अगर वो सोच विचार करके अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है तो वो बनेगी। दोनों एक दूसरे के प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और दोनों तरफ से ही अगर रिश्ता इक्वल होता है, बराबर होता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशहाली में तब्दील हो सकता है। और जब तक आपके पर्सन चाहते हैं कि जब तक आप इस रिश्ते को स्टेबल करते हैं, आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही उसको लाते हैं, तो तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपना हीलिंग मेडिटेशन के तौर में रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, अपने नॉलेज, अपने पावर, अपने विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, समझदारी के साथ वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
तभी इसमें एक्शन लिया जाए जब आप इस रिश्ते को स्टेबल करें, आप इस रिश्ते की भावनाओं को समझें और दोनों तरफ से ये रिश्ता इक्वल हो, बराबर हो और इसमें कोई भी जल्दबाजी ना हो, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस रिश्ते में ना हो, तो तभी इसमें बैलेंस आएगा, तभी इसमें खुशहाली आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। अगर कोई राज है, कोई रहस्य है तो तभी उन चीज़ों का खुलासा करें जब सही समय सही वक्त हो, तो सही समय सही वक्त के साथ ही वो आगे बढ़ें, कोई भी जल्दबाजी इसमें ना करें। देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है। जब से ये रिश्ता आगे बढ़ा है, पहले वाली कोई भी बात इस रिश्ते में नहीं रही है। काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं। दुख के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा है। अभी भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट चले हुए हैं और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। क्योंकि इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो चाहते हुए भी वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से, इस लड़ाई झगड़े चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए वो महसूस करते हैं कि जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, इस प्रॉब्लम से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकला जाता, तब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। नामुमकिन है ये रिश्ता आगे बढ़ना, इसलिए, और क्योंकि वो चाहते हैं कि, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इस चीज़ को पेशेंटली हैंडल करते हैं, समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी वो अपने आप में इस वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं और वो इसके बारे में अभी नहीं सोच सकते आगे बढ़ने के बारे में। तो वो देखते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, द हार्मिट एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, उस वो अभी भी उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उसे भुला नहीं पाए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना उनसे विश्वास किया था, भरोसा किया था, यकीन किया था, उतना ही उन्होंने उनको दुख और तकलीफ दिया है, एंजाइटी स्ट्रेस दिया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो इस रुके हुए रिश्ते को, उस ठहरे हुए रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि जो ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो, आप अपने पर्सन को एक मौका और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करें, और अपने पर्सन की तरफ से आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी धोखा दिया है। फिर भी इस उम्मीद के साथ कि जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा का कार्ड होता है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। तो उसी उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, आपको लगता है, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और आप अपने पर्सन से इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाया जाए, जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको माफ़ कर दें, माफ़ी मांगें और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को, कोई भी आगे ऐसा काम ना करें कि फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, फिर से यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े और
जो रिश्ता टूट चुका था, जो ख़त्म हो चुका था, जो बाधाएं इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं रही हैं उनको ख़त्म करते हुए आप न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, या तो आप एक बिगिनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराते हैं कि इस रिश्ते में कितना प्यार था, प्रेम था, उन्हीं जगह पर अगर जाते हैं जहां आपका प्यार शुरू हुआ था, जहां आपका रिश्ता शुरू हुआ था, जहां आपको कामयाबी मिली थी, प्यार से प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उन लोगों से मिलते हैं जिसके साथ जिनसे मिलकर ये रिश्ता शुरू हुआ था, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पास्ट वाले स्त्री को दोहराते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जो खुशी के दिन थे, रोमांस के दिन थे, प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। तो अगर हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं और सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करते हैं, यानी कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील होगा और खुशियां आएंगी, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसमें समय और वक्त अभी लग सकता है। अभी समय लग सकता है, तीन दिन से तीन सप्ताह से तीन महीने तक का भी समय इस रिश्ते में लग सकता है। लेकिन ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा अगर आप कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। डेथ, द स्टार एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, चाहे रिलेटिव हो सकते हैं, या जगह सिचुएशन हो सकती है, या रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के पर्सन होते हैं, और कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं खेलते, एक दूसरे की भावनाओं को साथ नहीं खेलते, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को, जो भी दिली तमन्ना थी, जो भी आपके पर्सन की आपकी मैनिफेस्टेशन थी, यानी कि इस रिश्ते में खुशहाली लाने की, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इली मेडिटेशन के बाद अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से एक अच्छी बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है, यूनिवर्स की तरफ से एक अच्छा गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है। लेकिन उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो दुख तकलीफ दे रहे हैं, जो बाधाएं दे रहे हैं, जो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप उससे बाहर निकलिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, क्योंकि ये द मैजिशियन का कार्ड जो मैनिपुलेट करने का भी होता है, किसी की भावनाओं के साथ खेलने का भी होता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे और वो ये रिश्ता फिर से उनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा और गुड न्यूज़ यही होगा कि ये रिश्ता काफ़ी फ्यूचर में कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी, ये रिश्ता गोल्डन स्टार आपका हो सकता है। लेकिन उन चीज़ों से पहले बाहर निकलना पड़ेगा जो चीज़ें इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही हैं, जो एडिक्शन है, जो लस्ट है, अगर आप या आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उससे बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं, तभी ये रिश्ता एक बिगनिंग एक शुरुआत की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।